हेलो नमस्ते खुलुम्बाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, आप लोग भी सोच रहे थे शायद क्या हो गया मुझे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा आलस आ गया था तो वीडियो नहीं बना रही थी। बहुत लोग मुझे डीएम में भी पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा बोल के, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। तो आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा किचन का साफ सफाई करने के बाद अभी मैं लंच बनाने वाली हूँ। एक्चुअली लंच में मैं आज बनाऊँगी दुदाली, तो हम ये लोकल लैंग्वेज में दुदाली बोलते, तो इसको ही बनाने वाली हूँ मैं फिश के साथ, लोकल फिश के साथ। तो सब्जी को मैंने अच्छे से काट लिया, और ये दुदाली को काटते वक्त ना हाथ में जो है ना काफ़ी गंदा लग जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो इस सब्जी को मैं बनाऊंगी ये लोकल फिश के साथ। तो लंच बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर दिया, तो आज मैं बनाऊंगी चिकन विंग्स रोस्ट करके बनाऊंगी, और इसे लोकल सब्जी सीबुंग बोलते हैं, और यह है दुदाली और ये लोकल फिश। तो ये लोकल फिश के साथ मैं दुदाली और सीबुंग को भी बनाऊंगी। तो मैंने घर के लिए ना कुछ घर के जरूरत के सामान ऑर्डर किए थे, जैसे कि आशीर्वाद आटा, बिस्किट्स वगैरह, अगरबत्ती वगैरह भी ऑर्डर किया था, तो मैंने अपने अपने जगह पे सब कुछ रख दिया। तो किचन का जो भी सामान है मैं यहाँ पे लेके आई, तो ये सारा मैंने सामान ऑर्डर किया है ITC स्टोर से। तो यहाँ पे जो है ना हमें हमारे सारे एसेंसेस मिल जाते हैं, चाहे वो गेस्ट के लिए स्नैक्स हो, या फिर फ्रोजन डेलिशियस प्रोडक्ट हो, या फिर बच्चों के लिए हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल खाना हो, या फिर हमारे स्वीट विथ क्रेविंग के लिए डेलिशियस ट्रीट हो, जो भी मतलब घर के लिए सामान चाहिए ना आप लोग को सब कुछ ITC स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ना 800 से भी ज्यादा प्रोडक्ट रेंज आप लोग को मिल जाएंगे, आटा से लेके फ्रोजन स्नैक्स आप लोग को मतलब सब कुछ मिल जाएगा हमारे ITC में। और ITC से ऑर्डर करना बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आप लोग कितने आसानी से आप लोग को जो भी चाहिए सर्च करके आप लोग आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैं ITC स्टोर के होम पेज में हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को सारे डेली एसेंशियल के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आटा, घी, फ्रोजन स्नैक्स से लेके जूस, चॉकलेट, आप लोग को सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आप लोग को कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आटा को सेलेक्ट कर दिया, और आटा पे सेलेक्ट करते ही आप लोग को आटा का यहाँ पे रेंजेस दिख जाएंगे, तो आप लोग को जो भी आटा चाहिए आप लोग उसे एड टू कार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से सर्च करके एड टू कार्ट करके आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ईजी है। ITC स्टोर 24,000 पिन कोड में डिलीवरी देता है, और मैं अपने फेवरेट ITC प्रोडक्ट ITC स्टोर से ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेंज के साथ जो है ना अच्छे एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी हैसल फ्री डिलीवरी के साथ। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें यहाँ से परचेस करके। सो गाइस, अगर आप लोग को भी घर बैठे डेली एसेंशियल्स एंड किचन सप्लाईज चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और आप लोग की पहली ऑर्डर पे आप लोग को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग हमारा ITC20 कूपन कोड यूज करेंगे। तो वेट किस बात का, जल्दी से जाइए www.itcstore.in पर और ऑर्डर कीजिए। तो चलिए अभी लंच बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉयल सब्जी बनाने वाली हूँ, सीबुंग को मैं बॉयल करने वाली हूँ। थोड़ा सा नमक देके मैं अभी सीबुंग को ढक के रख दूंगी। एक्चुअली ये माँ के लिए स्पेशल है, क्योंकि माँ आजकल तेल नहीं खा रहे, तो उनके लिए एक बॉयल सब्जी बनता है। तो इसको मैं लोकल फिश, छोटे छोटे लोकल फिश के साथ बनाऊंगी।
और हमारा बॉयल सब्जी जो सीबूं का सब्जी है ऑलमोस्ट बन ही गया है, तो मैंने दूसरे चौके पे शिफ्ट कर दिया। तो इधर जो है ना अभी मैं दुधाली बनाने वाली हूँ हस्बैंड और मेरे लिए, तो दुधाली को भी मैं लोकल फिश के साथ ही बनाऊंगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया, तो नॉर्मली जैसे बनाते बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो इधर अभी मैं दुधाली भी बना रही हूँ, साथ में अभी मैंने चिकन विंग्स को जो है ना बॉईल करने के लिए बिठा दिया। यहाँ पे बस चिकन विंग्स ही है, तो इसको बॉईल करने के बाद मैं अच्छे से आग में रोस्ट करने वाली हूँ। चिकन को एक्चुअली फ्राई करके खा के बहुत हो गया, मतलब बहुत खा लिया, तो सोचा कि रोस्ट करके बना के खाते, बहुत ही अच्छा लगता है चिकन विंग्स को रोस्ट करने से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दुधाली का पानी, खुद का जो पानी वो भी सूख गया, तो थोड़ा सा पानी देके बस इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। थोड़ी देर बाद ये बन भी जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोग देख ही सकते हैं दुधाली बन गया है। तो अभी इसको ऑफ कर देते हैं और चिकन जो है ना, हमारा चिकन भी बॉईल हो चुका है, तो इसको इसका पानी जो है ना ड्रेन कर देते हैं, उसके बाद तो रोस्ट करते हैं। चिकन जो है ना बॉईल करते वक्त ही अच्छे से पक चुका है, तो अभी बस इसको रोस्ट करना है स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे कोयला बना रही हूँ, आग में डायरेक्ट बनाने से जो है ना थोड़ा जलने का चांस रहता है, तो जितना हो सके कोयला में बनाने से टेस्टी भी लगता है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे अभी मैं कोयला बना रही हूँ, तो हमारा कोयला भी रेडी है। तो कोयले के ऊपर मैंने नेट बिछा दिया है और एक एक पीस करके मैं चिकन यहाँ पे रख रही हूँ, तो दोनों साइड पे मैं अच्छे से रोस्ट करूंगी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है खाके। तो पहले एक साइड पे रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। चिकन जो है ना रोस्ट हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक और ऑयल, तो इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दिया चारों तरफ। और अभी मैं दूसरे साइड पे भी इसको फ्लिप कर रही हूँ और दूसरे साइड पे भी मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लूंगी, बहुत ही बढ़िया कलर आता है। तो अभी हमारा रोस्टेड चिकन विंग्स जो है ना रेडी है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कलर बहुत ही बढ़िया आया है, साथ में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था इसका। तो अभी लंच कर लेते हैं। एक्चुअली सब लोगों ने लंच कर लिया, तो अभी मैं करने वाली हूँ। रियान आप लोग देख ही सकते हैं कैमरा को देख के नीचे छुप रहा है, एक्चुअली उसने भी लंच कर लिया। तो अभी मैं मेरा लंच इंजॉय करती हूँ।